फ्रेंड्स, वेलकम टू वीनूस होम फूड। आज हम बनाएंगे आलू ब्रेड सैंडविच और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन्हें हम बनाएंगे तवे। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने कुछ आलू लिए हैं बॉयल किए हुए और ये ब्राउन ब्रेड लिए हैं। ब्राउन ब्रेड की जगह पे आप वाइट ब्रेड का यूज भी कर सकते हैं। और ये हरा धनिया और लहसुन बारीक कटा हुआ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है, तो खूब सारा हरा धनिया और लहसुन का यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए इस चीज़ को बनाने के लिए। जैसे हम आलू के पराठे की स्टफिंग करते हैं, सेम वही चीज़ें मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो एक बार आप भी तवे को बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आलू में हम डालेंगे अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप इसकी जगह पे धनिया पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो चलिए अब हम मैश कर लेंगे अच्छे से। मैश करने के लिए आप अपने हाथों का यूज़ भी कर सकते हैं। स्टफिंग है ये रेडी हो चुकी है। चलिए अब बनाते हैं आलू ब्रेड सैंडविच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड की स्टफिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम चम्मच से उसको प्रेस करेंगे ताकि आप इसमें अच्छे से चिपक जाए। इसी तरह से हम सारे ब्रेड पहले तैयार कर लेंगे। जब भी आपको ब्रेड की स्टफिंग करनी है तो इसके नीचे एक ब्रेड रखना है। इस तरह से इससे क्या होता है, हमारे जो ब्रेड है जब हम इसको ये स्प्रेड करते हैं, स्टफिंग हम इसमें लगाते हैं, तो ब्रेड जो है टूट जाते हैं ठीक से। इसके लिए दो ब्रेड आप साथ में और स्टफिंग के बाद इसके साथ सैंडविच
ये चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम आपको अब लो रखनी है, अगर आप इसे हाई पे रखेंगे तो आपका जो घी लगाएंगे तो इस तरह से हम इसको क्रंची बनाने तक हमारा एक सैंडविच बन गया है। चलिए मैं इसको देती हूँ अद्विक को, क्योंकि अद्विक बहुत देर से वेट कर रहा है अपने सैंडविच के लिए। लो अद्विक, एंजॉय, यू आर वेलकम। जो लोग सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं उनके लिए तवा पे ये सैंडविच बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो तवा पे ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्रंची और फटाफट ना खुल भी जाते हैं। आप देख सकते हैं क्रंची बन है, लेकिन खाने में इतने ही सॉफ्ट है, मतलब फटाफट वो में हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से हमारा सैंडविच जो है बन चुका है। तो ये देखिए हमारी आलू ब्रेड सैंडविच अब रेडी है। तो ये हमारे आलू ब्रेड सैंडविच बन चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे चाय के साथ। आप चाहें इसे सॉस या फिर बटर के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। पर हमारी चाय भी बन चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। सुबह की भागम भाग में ये बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। आलू आप रात को बॉईल करके रख सकते हैं, सुबह फटाफट ब्रेड में स्प्रेड करके आप इसे तवे पे सेक कर इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।